रिवाइज करेंगे तो फिर करेंगे ना. अभी हमने ये वाले वीक में दो चैप्टर्स रिवाइज किए हैं, एक माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर. बेटा उसका मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा हुआ है, इफ यू पीपल आर लाइक डन विद दैट चैप्टर, व्हेन यू विल बी प्रिपेयर्ड विद दैट चैप्टर, यू काइंडली सेंड मी योर पीडीएफ टुडे या टुमारो. ठीक है, आज या कल में एटलीस्ट मुझे ये अपनी पीडीएफ जरूर भेज दें. दैट इज फॉर योर प्रिपरेशन, इट्स नॉट फॉर मी. असाइनमेंट वाला नहीं, क्वेश्चन टेस्ट पेपर वाला मैंने डाला हुआ है. ठीक है, कल आपको आपके ग्रुप में मेडिकल ग्रुप में डाला था. That is your question paper of the 10 marks questions. And whosoever have prepared the chapter or you want to prepare it, you can prepare it today and then send me the PDF. Okay? नहीं नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, पढ़ा है. That is there. हाँ वो वहीं पे ही है, देख लेना आपके ग्रुप में ही है, नहीं तो मैं दोबारा भेज दूंगी. ठीक है, हाँ जी. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपकी NCERT बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में. This is if a population growing exponentially doubles in size in 3 years. Population growing exponentially that doubles in size and the time given is that is in 3 years. Time is 3 years. Then what is the intrinsic rate of the increase in the R of the population? R ka intrinsic rate of increase aapko nikalna hai. R nikalna hai. Kaise nikalenge? This is your NCERT question. That is why I was saying you NCERT back exercise questions आप लोगों ने सबने solve करने हैं. हाँ जी, tell me how mathematically you are going to solve this that the population doubles in size in 3 years and what will be the change in the R value. No answer. What is the relation of the population density? ये हम लोगों ने formula निकाला हुआ है. Population density क्या होता है? NT plus 1 पे, that is NT E R D. यही होता है, यही होता है फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज एट टी प्लस वन मीन्स एक्सटेंडेड टाइम, मतलब ये 3 इयर्स की जो बात कर रहा है, आफ्टर 3 इयर्स है ना. दिस इज इनिशियल जब हमने काउंट करनी शुरू करी थी. तो अगर मैं इसको सेकंड हैंड पे लिखूं, दैट इज एन नॉट के साथ लिखूं, तो भी ये सही है. एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, आपकी बुक में जैसे भी लिखी है वैसे लिख सकते हो. एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, दिस इज आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम टी एंड एन नॉट इज अ जीरो इनिशियल टाइम. तो टी टाइम हमारे पास 3 इयर्स है. इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसका लॉगरिथम लेना पड़ेगा. ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पेपर में भी आया हुआ है, अगर आपने देखा तो, सैंपल पेपर देखा, उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आपको सॉल्विंग का आया हुआ. इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग कैसे लेते हैं इसका, किसी को आइडिया है? टू ऑफ द नंबर्स इफ गेटिंग मल्टीप्लाइड टेकिंग द लॉगरिथम दे गेट एडेड. ठीक है, तो उसका एडिशन हो जाता है, आर टी फ्रंट पे आ जाएगा एंड लॉग ई इज देयर. ठीक है, ये फॉर्मूला है. जब इसको आपने लॉग्स में कन्वर्ट करना है, एन नॉट लॉग ऑफ एन नॉट प्लस, ये दो वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी ना, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई. ठीक है, प्लस हो गया, प्लस आर टी जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती हैं, आगे आ गई और लॉग ई. ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि जो एन टी है दैट इज आफ्टर 3 इयर्स, दिस इज जो एन नॉट है वैल्यू हमारी वो 3 टाइम्स हो जाएगी, सॉरी 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाएगी. जीरो अभी तक हमारी फिलहाल अगर 0 टाइम पे जितनी भी वैल्यू है उसका वो 3 टाइम्स के बाद 3 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा, डबल दी अमाउंट हो जाएगा. अगर 1000 है तो वो 2000 हो जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ वी सी देयर इज द वैल्यू ऑफ दिस एन नॉट, अगर मैं एन नॉट की एन टी के वैल्यूज निकालूंगी तो इट इज गोइंग टू कम टू बी एज 2 टाइम्स ऑफ द एन नॉट आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम. एन टी पॉपुलेशन जो बनेगी आफ्टर द पर्टिकुलर टाइम 3 इयर्स जो भी है हमारे पास वैल्यू, लेकिन ये क्या हो जाएगी, डबल द अमाउंट. डन. अब अगर मैं यही वाली वैल्यू को पुट कर दूं यहाँ पे, डाल सकते हैं एन टी की वैल्यू डाल सकते हैं. सो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ 2 n0 माइनस, ये एन नॉट उधर लेके आए, दिस इज लॉग ऑफ एन नॉट दैट इज इक्वल टू, ये यहीं पे रह गया, आर टी लॉग ई. ठीक है, ये यहीं पर रह गया. ठीक है, समझ आ रहा है, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं आपको सॉल्व करनी है. अब इन दोनों में अगर हम सॉल्व करते हैं दैट इज हैविंग द सेम नंबर n0 n0 माइनस कर रहे हैं, डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, जो डिवाइडिंग होते हैं वो माइनस में चले जाते हैं, मल्टीप्लाइंग वाले प्लस में और उल्टा होता है. तो अभी यहाँ पे क्या है, हमने लॉग लिया, दिस इज 2 n0 बाय n0 डन, बट इट इज इक्वल टू आर टी लॉग ई. सही है, ठीक है, यहाँ पे n0 n0 कट गया, व्हाट इज लेफ्ट इज लॉग ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू आर टी लॉग ई. ठीक है, अब अगर मेरे को इसको टी के इक्वल करना है, मेरे को सॉरी क्या निकालना है, यहाँ पे आर निकालना है, आर निकालना है, तो मैं बाकी सारा कुछ इधर ले आती, आर की वैल्यू चाहिए ना, सॉल्व तो ऐसे ही करते हैं ना मैथमेटिकली.
अब आर चाहिए तो मैंने यहाँ पे आर रखा, बाकी सब कुछ उठा के इधर ले आए, वहां मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी लॉग ई इनटू टी, समझ आ रहा। मैं ऊपर लिख देती हूँ, आर इज इक्वल टू लॉग टू डिवाइड बाई लॉग ई इंटू टी, ठीक है। टी क्या है, थ्री इयर्स गिवन है, तो हमने यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दिया एज थ्री इयर्स। लॉग ई का फिक्स्ड वैल्यू है 2.71828, तो हमने यहाँ पे 2.71 डाल दिया लॉग ई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई वैल्यूज चेंज होती है, क्योंकि ये तो हमें फिक्स दिया हुआ है, वैल्यूज लिखी हुई है, हम लोग पुट कर देंगे, अगर वैल्यूज चेंज होती हैं, लॉग टू नहीं है, लॉग 2.71 नहीं है, ई का तो 2.71 रहेगा क्या, अगर वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ये टू टाइम्स की बजाय थ्री टाइम्स कहता है, फोर टाइम्स कहता है, तो लॉग फोर हो जाएगा, लॉग थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको वैल्यू लॉग टेबल से मिलेगी, ठीक है। देन यू विल बी पॉसिबली सॉल्विंग बाय पुटिंग द टू वैल्यूज इन टू थ्री, थ्री ईयर्स है तो थ्री, फाइव ईयर्स है तो फाइव, टेन ईयर्स है तो टेन, ठीक है। तो आप लोगों ने वो वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, समझ आया। ये आपको वैल्यूज जो है वो लॉग टेबल से मिलेंगे। लॉग टू की वैल्यू क्या होती है, 0.30, वेरी नाइस, दिस इज 0.30। देन लॉग 2.71 की वैल्यू 0.43, ठीक है। सो दिस इज 0.43 इनटू 3, इफ यू सॉल्व इट आउट पूरा, आर का वैल्यू हमारे पास आएगा 0.231 समथिंग लाइक दिस, आर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सॉल्व करनी समझ आई, क्योंकि हम लोग मैथ्स के बच्चे नहीं है, हमें ये लॉग इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती होगी, तो सॉल्व करना समझ आया। सिर्फ आप लोगों का आंसर चेंज आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन, उसके लिए यू आर नॉट गोइंग टू क्रैम एनी वैल्यूज, यू विल बी गेटिंग द लॉग टेबल्स, ठीक है, यू विल बी आस्किंग फॉर द लॉग टेबल्स एंड देन यू कैन व्यू द लॉग टेबल वैल्यूज, आपकी आपको मिल जाएंगी वहां पे, प्रोवाइडेड होंगी एंड यू कैन हैव इट। समटाइम्स इन द क्वेश्चन, बिकॉज यू आर ऑफ बायो, यू आर नॉट ऑफ द सुपर मेडिकल और द मैथ स्टूडेंट्स, तो कई बार आपको गिवन भी होती है, ठीक है, क्योंकि लॉग टेबल्स हैं, लॉग वैल्यूज हैं, ऐसी चीजें अगर वो क्वेश्चन में डालेंगे तो दे विल बी गिविंग यू दीज वैल्यूज ऑल्सो, ठीक है। नहीं तो जो फिक्स्ड है वो तो कम से कम याद कर ही लो, लॉग ई की वैल्यू याद कर लो, दिस इज 2.71828, ठीक है, पूरा वैल्यू। लॉग टू का वैल्यू याद कर लो, अप्रोक्सीमेटली टू डिजिट्स तक इसको याद कर लो, डेसिमल डिजिट्स तक, ठीक है, क्लियर। एनी डाउट टू एनीवन? ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस हैं, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। देखो अगर आप लोग बुक से नहीं पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो, चैप्टर रिलेशन में आपको ये बिल्कुल भी न्यूमेरिकल ऐसा सॉल्व करने का आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, यू आर जस्ट क्रैमिंग वन ऑफ द इक्वेशंस, है ना, तो ये चीजें भी आ सकती हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग विद पेस्ट इंसेक्ट्स। क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना मुश्किल है। व्हाट इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग विद पेस्ट इंसेक्ट। सिंपल है क्वेश्चन, देखो तुम क्वेश्चन में घूम गए हो, आंसर सिर्फ वन वर्ड है, समझ आ गया तो वन वर्ड आंसर है। व्हाट इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग विद पेस्ट इंसेक्ट। पेस्ट इंसेक्ट को दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट खा जाएगा, तो क्या है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल उसके पीछे, इंटरेक्शन क्या है, प्रिडेशन। प्रिडेशन नहीं है, प्रिडेटर्स प्रे को खा रहे हैं, सिंपल सा तो काम है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, ड्रैगन फ्लाइज हैं या फिर वो लेडी बर्ड्स हैं, आप लोगों ने पढ़ी है ना, तो वो क्या करेंगी, एफिड्स का, गेट रेड ऑफ एफिड्स एंड द मस्किटोज, ये हम पढ़ते हैं, है ना, तो एफिड्स और मस्किटोज को खा जाएंगी। एफिड मस्किटो क्या है, हमारे पेस्ट हैं, इंसेक्ट्स हैं, है ना, तो ये इंसेक्ट्स को दूसरा इंसेक्ट खा रहा है, वन इज एक्टिंग एज अ प्रे, अनदर इज एक्टिंग एज अ प्रीडेटर। सो व्हाट इज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इंटरेक्शन, दैट इज दे आर हैविंग द प्रीडेशन एज एन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, वन इज अ प्रीडेटर अनदर इज अ प्रे। कितना आसान आंसर है, सिर्फ क्वेश्चन घुमाएगा, यही तुम्हारा सैंपल पेपर, ठीक है। अब हम लोगों ने सीधा पहले देखा, अगर सैंपल पेपर तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैसे क्वेश्चन डाले, आपकी अपनी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ये वाले हैं, ठीक है। So I totally 100% I recommend you all just to have a reading at least once you go with the answers, solved answers and questions from the back exercise of your NCERT, okay,
of your NCERTs, right? Another question, you please listen. Anji, next is, if a marine fish is placed in a freshwater aquarium, will the fish be able to survive? Why or why not? If the marine fish is placed in a freshwater aquarium, will the fish survive? Will be able to survive? Why or why not? हाँ, तो देयर इज द ऑस्मो रेगुलेशन वाला, जैसे हम टेम्परेचर के लिए भी बात करते हैं, टेम्परेचर में वो नहीं एडजस्ट कर पाती बीइंग द कोल्ड ब्लडेड मेंबर्स, है ना, फिशर्स दे आर, सो इज देयर इन दिस केस ऑफ द मरीन, मरीन आर द सॉल्टी कंडीशंस एंड दे आर नॉट हैविंग द फुल सॉल्यूट इन इट, सॉल्वेंट जब उसके अंदर, सॉरी, पूरी तरह से सॉल्वेंट नहीं है उसके पास अवेलेबल, है जी, यूरी हेलाइन उसने कंडीशन थोड़ा ना दी है, पर उसने कंडीशन ही नहीं दी हमें कि वॉटर दे, they are under which category, they are simply saying the marine fishes, they are placed in fresh water, so you will be saying that they will be reacting to their particular environment surroundings and their balance of their water body, kyunki bahar kya hai unko fresh water mil gaya, marine walon ko shift kiya na fresh water walon mein, theek hai, to kya hua, fresh water mil gaya, kahan marine mein thi to puri tarah se 100% solvent unke paas nahi hota tha, ab unka solvent kya hai, change ho gaya, 100% pure water side pe aa gaya, solute kam ho gaya, salt hai nahi uske andar, तो ऑब्वियसली उसकी अपनी बॉडी का जो ऑस्मो रेगुलेशन बैलेंस ऑफ द वॉटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हिल जाएगा एंड हेंस दे विल नॉट बी सर्वाइविंग, ठीक है, सो ये इसमें दे विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, तो दे विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, दे विल बी फर्स्ट एडजस्टेड, लेकिन बाद में दे विल बी बिकॉज ऑफ द मच इम्बैलेंसेस दे विल बी जस्ट लूजिंग देयर लाइफ, ठीक है. मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव एट टेम्परेचर्स अबव 45 degrees Celsius. हाउ आर सम माइक्रोब्स एबल टू लिव इन द हैबिटेट्स with temperatures exceeding 100 degrees centigrade? हाँ जी, evolution, evolution कट गया है सिलेबस में से. हाँ जी, how are some microbes able to live in the habitats with temperatures exceeding 100 degrees centigrade? Because they have certain हीट रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज, है ना, जो उनको रेजिस्ट कर रही हैं, तो उनके पास कुछ हीट रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज या केमिकल्स प्रेजेंट है उनकी बॉडी में, सच एज सर्टन एंजाइम्स मे बी प्रेजेंट इन देयर बॉडी दैट विच आर हेल्पिंग देम टू टॉलरेट दैट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा हाउ आर सम माइक्रोब्स एबल, कैसे वो एबल बन पाते हैं उन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा रहने में, ठीक है, नहीं, अगर वो पूछता कि जो रह पाते हैं उनके लिए टर्म क्या है, वो तो टर्म्स देते हैं आप, हाउ आर दे पॉसिबली, हाउ, व्हाई, इन आंसर्स को आपने हमेशा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है. तो बेटा ये क्वेश्चंस देखो, आई एम बीन जस्ट आस्किंग 3-4 क्वेश्चंस, ये जो हमने बोले ये सिर्फ मैंने एनसीईआरटी के उठाए हैं, तो आप लोग को एनसीईआरटी बेसिस पे कितने क्वेश्चन आते हैं यू कैन जस्ट गो थ्रू, तो आप प्लीज इसको अच्छे से देखें, वेरी नाइस कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस इज देयर इन योर ओन एनसीईआरटी बुक, ठीक है, सो यू काइंडली गो थ्रू, इफ यू हैव द रेफरेंस बुक्स, you people are having it, you can go through, if you don't have then tell me, I'll send you the solved answers for this. haan ji, NCERT ke solved answers hain aapke paas, kis kis net pe available hote hain solutions, I'm not aware of, mere ko nahi pata. haan ji, main pdf bhej dunga.